हाय नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है, मेरा आज का वीडियो है ऐसे बेस्ट 5 फेस वॉशेस के बारे में जो कि ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखो, ऑयली स्किन को ट्रीट करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, बिकॉज ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, और अगर ऑयल को हमने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो हमारी ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा पिंपल प्रॉन होती है और हमें पिंपल्स की बहुत ज़्यादा शिकायत हो सकती है। प्लस ऑयली स्किन काफ़ी सेंसिटिव भी हो जाती है, सारे प्रोडक्ट्स उस पर सूट नहीं करते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए होना, मैं स्टार्ट करती हूँ ऐसे 5 बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छे फेस वॉशेस जो मैंने काफ़ी फेस वॉशेस यूज़ करने के बाद जो मुझे लगता है कि बेस्ट है फॉर ऑयली स्किन, बिकॉज आई हैव अ वेरी ऑयली स्किन। सो स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम नंबर फाइव पे मेरे पास है प्रोडक्ट बायोटिक एडवांस बायो पाइनएप्पल ऑयल कंट्रोल फोमिंग फेस वॉश। ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है और इसका प्राइस है 119 रुपीज़। ये है 100 ml। सो प्राइस के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से इट्स गुड। प्लस इसमें बेसिकली एक चीज़ होती है जो है पाइनएप्पल का पल्प, और काफ़ी आप इसको अगर स्मेल करोगे तो आपको प्रॉपरली पाइनएप्पल का फ्रेग्रेंस आएगा। प्लस काफ़ी रिफ्रेशिंग फील होता है जब आप इससे फेस वॉश करते हो, क्योंकि फ्रूट की स्मेल काफ़ी अच्छी लगती है। दूसरी बात, अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये फोमिंग इसमें एक बिल्कुल ओपेक सा आता है ये इसका जो फेस वॉश है। प्लस काफ़ी अच्छा फोम होता है जब आप इसको वॉश करते हो। तो इसको लेके अगर मैं बात करूँ तो इसमें पाइनएप्पल है जिसमें विटामिन सी होता है, तो ये स्पॉट्स के लिए अच्छा है, यू कैन गो फॉर इट। प्लस ऑयल काफ़ी अच्छे से रिमूव करता है आपके चेहरे से। अब अगर मैं बात करती हूँ फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे मेरे पास आता है जो है पॉन्ड्स का वाइट ब्यूटी स्पॉटलेस फेयरनेस। ये प्रोडक्ट अराउंड मैंने कुछ 8-9 महीने यूज़ किया है एंड मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद था। इफ़ यू कैन सी द पैकेजिंग, इट इज़ लाइक दैट। ये कुछ 163 रुपीज़ का आता है, और अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो इट इज़ ऑल्सो अ ट्यूब पैकेज। प्लस ये होता है, आई थिंक इट इज़ ऑल्सो 100 ग्राम्स। सो मैं बात करूँ तो ये भी एक ओपेक वाइट फोम फेस वॉश है जिसमें काफ़ी ज़्यादा फोम जनरेट होता है। आपको बहुत थोड़ा सा लेना होता है इसको, और ये एकदम ऑयली स्किन को ना एकदम ऐसे कहते अंदर से क्लीन करता है। काफ़ी अच्छा ड्राई महसूस होगा आपको फेस वॉश होने के बाद, आपको फील होगा कि हाँ, जैसे बहुत ज़्यादा जो ऑयली स्किन वाली फेस, जिनका ऑयली स्किन होता है उनको फेस वॉश के बाद अगर थोड़ा सा भी ऑयल रह जाता है तो वो फील होता है, लेकिन इस फेस वॉश के बाद आपको वो चीज़ फील नहीं होगा। प्लस डेफिनेटली ये ऐसा प्रॉमिस करते हैं कि इसमें स्पॉट जाते हैं। हाँ, मैं कहूँगी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ये थोड़ा सा ब्राइट करता है आपकी स्किन को, दैट आई हैव फेल्ट। सो दैट इज़ वाई आई हैव केप्ट दिस ऑन फोर्थ नंबर। अब मैं बात करती हूँ थर्ड नंबर पे जो फेस वॉश मेरे पास है, दैट इज़ बायोटिक। अगेन बायोटिक, बिकॉज बायोटिक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, डोंट हैव द केमिकल्स। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो इसको ऊपर रखती है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये है बायो पपाया विजिबली एजलेस स्क्रब वॉश। ये बेसिकली पपाया आ गया ना, इसलिए फेस वॉश बहुत अच्छा हो जाता है। प्लस इसमें एक प्लस पॉइंट जो आपको मिलेगा वो है कि इसमें स्क्रब है, बहुत माइल्ड स्क्रब। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि भी बहुत ज़्यादा स्क्रब है, क्योंकि स्क्रब हमें रेगुलरली यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो इसमें बहुत लाइट स्क्रब है, बहुत टाइनी ग्रेन्यूल्स हैं जो कि हैं अखरोट के शेल पाउडर है, प्लस नीम बाग है, हल्दी है, रीठा का फ्रूट है, रीठा फ्रूट एंड मूंगफली का तेल है, जो कि एक बहुत अच्छा वॉश के बाद मॉइस्चराइज, जिसे क्या होता है बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करता ये चेहरे को आपके, थोड़ा सा मॉइस्चराइज करेगा एट द सेम टाइम मॉइस्चराइज प्लस फेस वॉश। सो इट इसीलिए मैंने इसको थर्ड नंबर पे रखा है, क्योंकि पपाया है तो आपकी स्किन में ग्लो लाता है वॉश के बाद। अगर आप इसको काफ़ी मतलब अगर मंथ यूज़ करके देखो तो आपको खुद इसमें ग्लो समझ में आएगा आपके चेहरे में, बिकॉज अगर हम ऐसे भी बात करें तो पपाया बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। दैट इज़ वाई आई हैव केप्ट दैट दिस ऑन द थर्ड नंबर, और इसका प्राइस भी 110 है, तो प्राइस के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है। प्लस 100 ग्राम्स है, 100 ml है, तो काफ़ी चलता है इसको, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट को लेने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा प्रोडक्ट प्लस वाटर, आप काफ़ी अच्छे से इसको हल्का माइल्ड स्क्रब कर सकते हो, एट द सेम टाइम क्लींस कर सकते हो। सो दैट इज़ आई हैव केप्ट दिस ऑन थर्ड नंबर। अब बात करते हैं सेकेंड और फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर पे जिस प्रोडक्ट की मैं बात करने वाली हूँ वो प्रोडक्ट
मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा. मतलब चलो मैं बता देती हूँ पहले कि किसके बारे में बात कर रही हूँ. दिस इज़ लॉरियल पैरिस वाइट परफेक्ट मिल्की फोम एंड प्यूरिफाइंग एंड ब्राइटनिंग फेस वॉश. ये फेस वॉश बहुत अच्छा है फॉर वेरी ऑयली स्किन. जिन लोगों के फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, ये बहुत डीप क्लींस करता है. प्लस ये बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट आपको लेना है, बहुत ज़्यादा थोड़ा. और ये बिल्कुल मतलब आप मूड हो गए और उसके बाद व्हेन यू कम ना, आपको रियलाइज़ होगा कि एकदम ऑयल आपके चेहरे से निकल चुका है, प्लस डर्ट निकल चुकी है. यू विल फील समथिंग क्लियर, बहुत अच्छा सूदिंग लगेगा आपको. प्लस मतलब अगर मैं इसकी मैं बात करूँ तो इसमें विटामिन सी है. प्लस इस प्रोडक्ट में ये प्रॉमिस करते हैं कि ये आपको एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देते हैं, जो कि डेफिनेटली ये देते हैं. इट हैज़ दैट ब्राइटनिंग इफेक्ट विद इट. और अगर मैं बात करूँ तो ये एक मिल्की फोम रहता है, बहुत फोमी है. और ये भी एक ओपेक वाइट कलर का फेस वॉश है, जिसको अगर आप अप्लाई करते हो, आप यूज़ करके देखो इस फेस वॉश को. बहुत ज़्यादा नहीं, यू कैन टेक द 50 ग्राम ऑल्सो. ये 50 ग्राम की पैकेजिंग में भी आता है. दिस इज़ 100 ग्राम. फिर इसका प्राइस है आई थिंक 349 प्राइस है. 100 ml है, 50 ml भी आता है. यू कैन ट्राई वंस. अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है ना, तो आप एक बार ज़रूर ये फेस वॉश ट्राई करके देखो. यू विल फील द डिफरेंस. प्लस मुझे कोई पर्सनल ब्रेकआउट्स नहीं हुए इस फेस वॉश को लगाने के बाद. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. दैट इज़ व्हाई आई हैव केप्ट दिस ऑन सेकेंड नंबर. अब फर्स्ट नंबर, नंबर वन तो नंबर वन ही होता है. अगर मैं नंबर वन की बात करूँ तो इसमें मैं रखना चाहूँगी द बॉडी शॉप विटामिन ई जेंटल फेशियल वॉश. दिस इज़ द पैकेजिंग. और पहले तो मैं इसकी प्राइस बता दूँ. इसका प्राइस है कुछ 645 rupees. ये 125 ml मिलता है मुझे 645 rupees में. ये फेस वॉश मैंने नंबर वन पे क्यों रखा, क्योंकि बाकी के जो चार फेस वॉश थे उनमें क्या था कि एट दिस पहले तो फोमिंग थे, वो सब में फोम था फेस वॉश में. बट इस फेस वॉश की खासियत है कि इसमें किसी भी टाइप का फोम नहीं है. अब आप सोचोगे फोम नहीं है तो ये क्लीन कैसे करता होगा. नहीं, इट डजंट हैव फोम. बट इसके अंदर क्लीनिंग मतलब इसको आप अप्लाई करो, यूज़ करो, खुद यू विल फील कि बहुत अच्छे से डीप क्लीन करता है. एट द सेम टाइम इसका मॉइस्चराइजिंग पावर भी बहुत अच्छा है, बिकॉज इट हैज़ इट हैज़ वीट ग्राम ऑयल. वीट ग्राम ऑयल होने के कारण इससे बिल्कुल ज़्यादा, जैसे कुछ लोगों को ऐसा होता है ना फेस वॉश लगाने के बाद बहुत ड्राई लगने लगता है चेहरा, तो वो चीज़ नहीं होगी. डीप क्लीन भी करेगा ये फेस वॉश, प्लस एट द सेम टाइम मॉइस्चराइज भी करेगा. दैट इज़ वाई इसका प्राइस 645 है. बट ये वर्थ ऑफ मनी है. इट इज़ 645, बट ये बहुत अच्छा फेस वॉश है, बहुत ही बढ़िया. यू कैन गो फॉर इट. आपकी अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन नहीं है, इफ़ यू हैव अ नॉर्मल ऑयली स्किन, तो आप डेफिनेटली ये वाला फेस वॉश यूज़ कर सकते हो. इसका क्रीमी टेक्सचर है, प्लस बहुत अच्छे से क्लींस करता है. सो ये थे 5 फेस वॉशेज जो कि काफ़ी अच्छे हैं, और मैंने इनको एज अ रेंज भी आपको बताया सबका कैसा है. प्लस डेफिनेटली प्रोडक्ट क्वान्टिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको उस प्राइस पे. तो यू कैन चूज विच यू वॉन्ट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली है, नॉर्मल ऑयली है, तो यू कैन गो फॉर इट. एंड डेफिनेटली अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो मेरे चैनल को, दैट इज स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट. सब्सक्राइब करो एंड यस, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ. बाय बाय.